नगर पालिका निगम की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 योजना में सागर के विचार संस्था अहम योगदान देगी। इस संस्था में होम कंपोस्टिंग, सिंगल यूज पॉलिथीन और डिस्पोजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है। नगर पालिका निगम आयुक्त आरपी अहिरवार ने अपने प्रोजेक्ट होम कंपोस्टिंग, रियूज और रिफ्यूज कर कार्य करने और जन जागरूकता फैलाने के लिए विचार संस्था से एक बार फिर सहयोग मांगा है। होम कंपोस्टिंग के अंतर्गत कचरा परिवहन की लागत कम हो सकती है और इसके द्वारा ऑर्गेनिक खाद भी प्राप्त हो सकती है। रियूज योजना से उपयोग की गई सामग्री का पुनः उपयोग हो सकता है। इसके द्वारा गोबर से गमले, गोकास्ट बनाना, कागज रिसाइकल का कार्य किया जा सकता है। इन सभी योजनाओं को नगर पालिका निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 नाम दिया है। संस्था द्वारा इसमें सागर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 48 वार्डों के 5000 विचार परिवारों में प्रारंभ कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विचार मोहल्ला टीमों के वार्ड स्तर पर आदर्श परिवारों का नाम देकर योजना को संचालित किया जाएगा। गीला कचरा और सूखा कचरे को व्यवस्थित करने का परीक्षण भी लिया गया। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। सूखा हुआ गोबर भेज दिया, ये सब क्या है? ये जो इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे ना, बैक्टीरिया पैदा होंगे तो बैक्टीरिया के लिए खाने के लिए तत्व है। आपने एक ही लेयर दबाई, इसको थोड़ा सा दबा दिया, इसी प्रकार से सेकेंड लेयर भी आपने इसको बना दी। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपने ये कर दिया तो डालने को तो अपन बांध दे भी, इस पर इसको थोड़ा गीला कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें मच्छर नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। इसको मच्छर इसमें होना बहुत ज़रूरी है, तो मच्छर के लिए हम क्या करते हैं, छोटे डब्बा ना, चीज़ें पच जाती हैं हमारी, वो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं, और वो चीज़ों में हम कैसे, ये आपके सामने है इसको सब्जी है, इसको हम उसको काम में लेते हैं, सब्जी हो, फल हो, आपके अनाज के दाने हो, ये सारी चीज़ें। मगर एक चीज़ से बचते हैं, जो खाना हमने पकाया है, पके हुए खाने में क्या होता है, तेल यूज़ कर लेते हैं और उसमें मसाले यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो है वो सर तो वो भी जाएगा, बहुत समय लेगा, हो सकता है 6 महीने ले, 8 महीने ले, और उतना अच्छा खादरा बनाए और हमारे उसके अंदर जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो बैक्टीरिया बहुत सीमित संख्या में पैदा होंगे और उनको मार भी देगा। तो हम ये चीज़ को, क्योंकि गीला कचरा भी है उसको हम इसमें उपयोग में नहीं लेते, हम कोशिश करते हैं हम इस प्रकार का सूखा कचरा या सेमी में शिरकत किया आपने। ये जैसे आप सब लोग जानते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 चल रहा है, इसमें आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए होम कंपोस्टिंग, जो घर का कचरा होता है गीला कचरा, उससे हम उसको रीयूज के करने के उद्देश्य से उसका खाद बनाया जा सकता है। तो उसको किस तरीके से बनाया जाता है और क्या उसके फायदे हो सकते हैं ताकि शहर में कचरा को मिनिमाइज किया जा सके। ये पब्लिक तक कैसे ले जाएंगे, ये कंपार्टमेंट में आप शो, ये हम कैसे, ये जनता तक जाएगी, ये हम अपने जिंगल्स के माध्यम से घर जो शहर की में जो कचरा की गाड़ियां जा रही हैं उनके माध्यम से, जहां जहां समय समय पे जहां भी मीटिंग्स होती हैं उनके द्वारा, हमारे आयुक्त महोदय के द्वारा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा उनको समय समय पर बताया जाता है। आज विचार संस्था के द्वारा भी, क्योंकि इनका एक बड़ा नेटवर्क है, इनके 5-6 हज़ार इनके इनका परिवार है, तो हम इनके माध्यम से, इनके समन्वयकों के माध्यम से और इनके संगठन के माध्यम से भी हम इसको अवेयर करना चाहते थे जनता। निगम भी ये कोई पहल करेगी इस तरह की? निगम का भी प्रयास रहेगा कि हम इसको जनमानस तक पहुँचे। ये पार्टनरशिप में चल रहा है क्या निगम की? ये इनके सहयोग से करा है। क्या नाम आपका? संजय तिवारी। तो देखो जो है किचन जो है जो जो आप लोग बेडरूम, अब चलो अरे सुनो तो वो सब तो ठीक है, मानो शौचालय कहाँ? शौचालय नहीं है अपने, मतलब कहाँ? अरे लोटा लेके बाहर जाइए और का, अरे कराम भुट्टे कौन से शादी हो गई है भाई? अरे भैया सोच के लाज, हम बाहर नहीं जा सका। कहा नहीं जा सका? बाहर जा से कितनी सारी बीमारियां होते हैं। कौन सी? डेंगू, मलेरिया है। जिज्जे, अरे जिज्जी हाँ, अरे क्या कर रही है, समझा रही? तो फिर कैसे समझा? अरे तो जाके समझा लो। तो जिज्जी आप याद हो जाए ऐसा मानो मोरी बात,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।